शाहबाद डेयरी महादेव चौक पर लोगों ने पानी न आने पर किया प्रदर्शन। जो लोग आप देख रहे हैं ये शाहबाद डेयरी महादेव चौक पर खड़े हैं और ये वार्ड नंबर 29 के निवासी हैं। वार्ड नंबर 29 में करीब 15 दिन से पीने का पानी नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूट गई, जिसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक ना तो किसी जल बोर्ड के अधिकारी ने ही संज्ञान लिया और ना ही टैंकर वाले इनके घर तक पानी पहुंचाने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर लोगों ने टैंकर के लिए भी मांग की थी। 15 दिन बीत जाने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ निगम पार्षद अंजू अमन भी सड़कों पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि वार्ड 29 निगम पार्षद अंजू अमन का इलाका है, जिसको लेकर स्थानीय लोग अंजू अमन के पास भी पहुंचे और इस मामले को लेकर जल बोर्ड के अधिकारियों को भी मिले, लेकिन ना तो वहां पर पीने के पानी के लिए टैंकर पहुंचाए गए और ना ही पाइपलाइन को रिपेयर किया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने महादेव चौक को जाम कर दिया और वहां पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरी दिल्ली मजबूर है, लेकिन आज वार्ड 29 की पार्षदा ने ये प्रयास करके कि दिल्ली की जनता को साथ लेके, अपनी वार्ड की जनता को साथ लेके उनकी समस्या की लड़ाई लड़ने के लिए इस महादेव चौक पर, जो भगवान शंकर का चौक है, उसके ऊपर आकर लड़ी है। क्यों लड़नी पड़ी उनको? क्योंकि जब जनता उनके पास जाती है और जनता की हितैषी के लिए जब देखती छोटे छोटे बच्चे जो मूलभूत आवश्यकता पानी की है, उनको पानी नहीं मिलता, उससे उसको त्राही त्राही करने के लिए आज वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस चौक पर एकत्रित। मैं जल बोर्ड की बात करूँ, वार्ड नंबर 29 में यहाँ महादेव चौक पर पाइपलाइन टूटी हुई है, पिछले 10 से 15 दिन हो चुके हैं। लोग कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर है, या तो आता नहीं आता तो कीचड़ का आता है। जल बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि फंड नहीं है, क्या दिल्ली सरकार और जल बोर्ड की आपसी सहमति से ये बात कही बोली जा रही है? नहीं, फंड है ही नहीं। 73,000 करोड़ का घोटाला आज जो है, जल बोर्ड 73,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। और देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ है? दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से क्या इस लोकतंत्र की सरकार चलाना चाहता है? मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोकतंत्र की सरकार दिल्ली की जनता ने उसको तीसरी बार मौका दिया और आम जनमानस ने कहा, उसने कहा था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन वो क्या लड़ाई लड़ा है? स्वयं जेल में भ्रष्टाचार में बंद हो, फिर उसके अफसर जी कहते हैं कि उनके पास मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा रिलीज ही नहीं करेगा। दिल्ली का बजट 73,000 करोड़ का है और दिल्ली के बजट के अंदर उसने पानी की जो मूलभूत सुविधा, देखिए जल बोर्ड का टैंकर जा रहा है और मैं अभी 4 दिन पहले जहांगीरपुरी के अंदर था, मैं फोटो आपको दिखा, पीने का पानी नहीं, ऐसे लगता है कि वो पानी जो है कोई केमिकल का पानी है। जनता को इंसाफ दिलाने के लिए क्या एजेंडा रहेगा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ती है, उसी लड़ाई को लेकर ये पानी की समस्या के लिए आज हम इस चौराहे पे खड़े, इस पर जितना भी हम पूरे दिल्ली के अंदर, जल है तो जीवन है, जल के बगैर कुछ भी नहीं है, इंसान त्राही त्राही करने को मजबूर है। ये प्रकृति की दी हुई चीज है और प्रकृति की दी हुई चीज को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आम जन, यहाँ से आपका 200 मीटर पर 2 नहर है, जो मुनक नहर जिससे हरियाणा गवर्नमेंट पानी देती है, और इनका आप जाकर देखिए, इनके हैदरपुर जल प्लांट के अंदर 216 क्यूबिक पानी रोज उनको ट्रीटमेंट करने का, लेकिन उनका 16 क्यूबिक पानी ट्रीटमेंट होता है, बाकी 94% गाद है उसके अंदर, वो सफाई कौन करेगा? कब तक वो नहीं होगा? जब तक गाद नहीं निकलेगी तो ट्रीटमेंट कहाँ से? धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पानी का इतना बड़ा घोटाला है, जो सरकार आई थी पानी और बिजली के मुद्दे पर, उसी सरकार ने, मैं क्या शब्दों में कहूँ, हमारा जो पानी का डिपार्टमेंट है वो कई 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले नीचे आ गया है।